के अध्यक्ष महोदय से हम लोग मिले, अध्यक्ष महोदय ने सबसे पहले फर्जीवाड़ा पर ये कहा है कि वो किसी भी रूप में फर्जी अभ्यर्थियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जितने भी फर्जी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एसटीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है हम उनको बाहर करेंगे। नमस्कार, आप एनबीसी 24 देख रहे हैं और मैं हूं निखिल। देखिए, आज बीपीएससी कार्यालय के बाहर तमाम जो एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांग को लेकर आज बीपीएससी कार्यालय के बाहर पहुंच गए हैं। अतुल प्रसाद से मिलने के लिए बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनसे बातचीत करेंगे, जो जितने भी फर्जीवाड़े हैं, जो कैंडिडेट्स फर्जी कैंडिडेट्स को बहाली जो डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं लोग का नाम है कि ये लोग की कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। हम छात्रों से बात करेंगे, क्या कुछ कारण रहा आज सबको यहाँ पर पहुँच गए हैं? आज हम लोग को आश्वासन मिलने के लिए दिया गया था और हमारे रिप्रेजेंटेटिव गए भी हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के मिलने गए। देखिए, पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और हम लोग को आशा ही पूर्ण विश्वास है कि इस पे इस बात को संज्ञान में लेके जो फर्जीवाड़ा चल रहा है 2019 का, हम लोग को मात्र दो ही मुद्दा है। एक मुद्दा है जो जिनका 2019 जो एसटीईटी पास नहीं थे इसके बावजूद भी बीपीएससी ट्री में पार्टिसिपेट किए उनको बाहर करना, और दूसरी मुद्दा था जो 2019 एसटीईटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते थे और इसके बावजूद भी वो परीक्षा दिए, उनको सर्टिफिकेट मिला और उसके बावजूद तो उन लोगों को बाहर। मेन हम लोग का दो ही मुद्दा है और बस अतुल सर से एक ही आग्रह है, आग्रह या निवेदन है कि इन लोगों को फर्जीवाड़ा को बाहर किया जाए, उसके बाद ही फाइनल मेरिट जो भी दिया जाए, क्योंकि अगर फाइनल मेरिट आने के बाद अगर जो सत्यापन होगा तो सीट वैकेंट में चला जाएगा और बैकलॉग में सीट चला जाएगा, जो कि हम लोग 2019 से स्ट्रगल करते आ रहे हैं और हम लोग सारी आहर्ताएँ पूरी करते हैं, हम उस सीट को डिजर्व करते हैं। इसके बावजूद भी अगर किसी फेक कैंडिडेट की वजह से अगर किसी एक योग्य कैंडिडेट का नहीं होता है तो यह हम लोग के साथ बहुत बड़ा धोखा है और ये कभी हम होने नहीं देंगे। हमारा हक है कि आप लोगों के पास पुष्टिकरण है कि एकदम सर, मैं खगड़िया से हूँ, वहाँ पर बहुत सारा जिनके पास, एक मिनट, 2019 में विज्ञापन क्या जारी किया गया था, विज्ञापन में ये जारी किया गया था सितंबर 2019 के पहले जो बीटेक जो कंप्यूटर साइंस में बीटेक एमसीए मस्ट भी जरूरी है, उसके बाद बीटेक तो बोल दिया मैंने, बीएड है जो सोशल साइंस में, ठीक सर एक मिनट, उसके बाद एसटीईटी भी मस्ट जरूरी है 2019 में, उसके बावजूद भी कई लोग जो 21-22 में एमसीए किए हैं बीटेक के वो भी भर दिए, जिसके पास एसटीईटी 2019 नहीं है वो भी भर दिए। इसके कारण हम लोग का भविष्य अधेड़ में जा रहा है। जो अनइलिजिबल कैंडिडेट है वो भी तो पास हो जाएंगे, जो इलिजिबल कैंडिडेट है वो भी पास, वो पास नहीं हो पाएंगे। तो हम ये मांग करते हैं सर से, माननीय सर से, कि जो कट ऑफ रखे हैं वही कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ रहे उसी कट ऑफ से आप रिजल्ट दीजिए, ताकि अगर आप बीएसएबी बोर्ड को भेजते हैं सारा रिजल्ट तो वहाँ पर जो अनइलिजिबल कैंडिडेट है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटा सके। अतुल प्रसाद से मिले हैं जी? अभी अतुल प्रसाद सर से मिल के आ रहे हैं, हम चार लोग गए थे मिलने के लिए। तो पहला मुद्दा था कि जो स्टेट में इसमें एग्जाम हुआ है बीपीएससी का, उसमें बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी चले गए हैं, उनको कैसे इलिमिनेट किया जाए। तो उन्होंने बोला कि आयोग पे विवेक पे छोड़ दीजिए आप लोग, ये बहुत सारे चरणों से स्टेप बाय स्टेप होकर गुजरेगा। तो हम उस स्थिति में जरूर होंगे कि सबको ट्रैक कर लें कि कौन फर्जी है, कौन मतलब जेन्युइन कैंडिडेट है। तो उसके लिए तो आप लोग निश्चिंत रहिए, शिक्षा विभाग से भी हम बैठक करेंगे, स्टेट वाला जो मुद्दा आप लोगों का है उसको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। और दूसरा मुद्दा जो आप जिसके लिए यहाँ पे अधिकांश अभ्यर्थी आए हुए हैं, जो डॉक्यूमेंट अपलोड गलत हो गया है, अपलोड गलत हुआ है ना, उसके रिगार्डिंग है, उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्लियर बोला है कि वैसे अभ्यर्थियों को दूसरा मौका कतई नहीं दिया जाएगा और ना ही उनका कोई नया डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा। ये आपकी मानवीय भूल हुई है तो इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। और फिर उन्होंने बोला कि आपका ये अधिकार नहीं है हमसे मांग करना, बट आप आग्रह कर सकते हैं। तो हमने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया कि सर हम ऐसे लोगों का कंडीशनल रिजल्ट कम से कम जारी कर दिया जाए कि ऐसे इतने लोग हैं जो इम्पैक्टेड स्टूडेंट हैं, इनका रिजल्ट हम जारी करें बट इनका वेरिफिकेशन क्लियर नहीं हुआ है। तो वैसे लोगों को उन्होंने बोला कि हम इस बारे में विचार कर सकते हैं, बट अभी की स्थिति में हम ऐसे कंडीशन में नहीं है कि आपको कुछ भी हम एक आश्वासन दे कि जारी करेंगे कि नहीं करेंगे। तो कुल मिला के कहना है कि डॉक्यूमेंट जिनका गलत अपलोड हुआ है
उनके बारे में कुछ खास अच्छी खबर नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप जो दो मांग को लेके अंदर गए थे, मतलब एक में आपको संतुष्टि हो गई है, एक में असंतुष्ट है? एक में असंतुष्ट है हम डॉक्यूमेंट अपलोड वाले में, क्योंकि उसमें सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी आए हैं वही वाले। सर बात है, सर देखिए साइबर कैप के, सर जब साइट चल रहा था उसी में कभी, एक मिनट जब सर साइबर चल रहा था बीपीएससी का, उस समय साइबर नेटवर्क जो है अप डाउन हो रहा था, उस समय हम लोगों को हर तरह से सुविधा दिए सर ने, हमें हम हर तरह से सुविधा दिए कि आप देखिए नंबर क्या है, डिजिट क्या है, लेकिन व्यू का सुविधा नहीं था, जिसके साथ जो अपलोड हम लोग कर रहे थे, तो हमें ये हमेशा संशय था कि हमने क्या अपलोड किया है, क्या सेलेक्ट किया है। ये हमारी भी गलती नहीं है, ये साइट की गलती हो सकती है। हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट है सर, बीपीएससी जहाँ बुलाएगा हम अपने हार्ड कॉपी लेकर दिखाएंगे। एक चीज और आप बोलने का मौका दीजिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों की मांग है यहाँ पे कि ओएमआर में गलत, जैसे किसी का क्वेश्चन सेट ए मिला है, उसने गलती से बी टिक कर दिया है, तो वैसे लोगों के लिए बोला है कि वैसे आयोग कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैग काइंड ऑफ थिंग अपना रही है, कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग किया जा रहा है ताकि वैसे लोगों का जो भी समस्या है उनको ठीक किया जा सके। के अध्यक्ष महोदय से हम लोग मिले, अध्यक्ष महोदय ने सबसे पहले फर्जीवाड़ा पर ये कहा है कि वो किसी भी रूप में फर्जी अभ्यर्थियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जितने भी फर्जी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एसटीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, हम उनको बाहर करेंगे। दूसरी बात, हमने ये कहा कि महोदय जब एसटीईटी 2019 में आयोजन हो रहा था तो उस समय ये कहा गया था कि वही अभ्यर्थी एसटीईटी का फॉर्म भर सकते हैं जिनके पास शैक्षणिक योग्यता हो, तो वो बोले कि ठीक है हम इसके बारे में विभाग से बात कर लेंगे और अगर सरकार के तरफ जो भी दिशा निर्देश मिलेगा हम उस पर काम करेंगे। कुल मिलाकर के अध्यक्ष महोदय ने बहुत ही शानदार तरीके से हमारा जो मामला था उसको एड्रेस किया है। अपलोड के बारे में तत्काल उन्होंने कहा है कि अपलोड तो गलत है, आप तो एक बार दो बार तीन बार चांस देते रहेंगे तो एक फिर ये इंडलेस प्रोसेस हो जाएगा, तो जहाँ तक वो भी जायज जो होगा उसको हम करेंगे, और अभी और आगे की प्रक्रिया है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने नहीं नहीं अभी रिजल्ट के पहले वो उन्होंने कहा है कि रिजल्ट के पहले हम सारे विदाउट एसटीईटी को बाहर करेंगे, और हमने ये भी कहा कि 2022-23 में जो बीटेक एमसीए बीएड किया है उसको सिरे कान पकड़ करके बाहर करना है। हमने उन्होंने कहा है कि हम इसको बाहर करेंगे और इस पर हम सरकार से सलाह लेंगे, उन्होंने कहा है। बहुत वरीय अधिकारी हैं और हम लोगों के लिए बहुत सम्मानित हैं, मसीहा हैं। मैं बहुत कुछ नहीं बोल पाया उनके सामने क्योंकि बहुत सम्मान करता हूं उनका। कुल मिलाकर के यही है कि उन्होंने हमारा मामला को हल कर दिया, चिंता की कोई बात नहीं है, सभी लोग अपने अपने घर जाइए और कोई चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए तमाम जो बातों पर अब इन लोग की वार्ता हो गई है सर, जो है बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद से जो है, तीन जो लोग गए थे बात करने के लिए, उसके बाद इनकी संतुष्टता जो है वो तय हो गई है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC24 के साथ।